2014 में फगली से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली कियारा आडवाणी ने इंडस्ट्री में अपनी भूमिकाओं में विविधता ला दी है। वह तेलुगु परियोजनाओं और ऋतिक रोशन जूनियर एनटीआर और रणवीर सिंह जैसे शीर्ष अभिनेताओं के साथ संभावित सहयोग के साथ मुख्य धारा के हिंदी सिनेमा को संतुलित करती है। लेकिन अगर उन्होंने बॉलीवुड में अपनी पहचान नहीं बनाई होती तो संभवतः उनका पेशा बिल्कुल अलग होता। कियारा आडवाणी को 2014 में फिल्म फगली से बॉलीवुड में डेब्यू किए हुए एक दशक हो गया है। तब से उन्होंने सावधानी पूर्वक अपने लिए एक जगह बनाई है और उद्योग में अग्रणी महिलाओं में से एक बन गई हैं। अगर उन्होंने अपने बॉलीवुड सपने को पूरा करने का फैसला नहीं किया होता तो क्या आप जानते थे कि कियारा आडवाणी शायद एक शिक्षिका होती। खूबसूरती के बड़े पर्दे पर आने से बहुत पहले उन्होंने खुलासा किया था कि उनकी पहली नौकरी एक नर्सरी स्कूल में थी। एक्ट्रेस ने न सिर्फ छोटे बच्चों को पढ़ाया बल्कि डायपर बदलने और उनकी देखभाल करने में भी मदद की। बॉलीवुड फिल्मों से संबंधित अधिक नवीनतम अपडेट के लिए भतीजा मूवी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।